Got a bottle of Patron and some lights off. Two red devil looking eyeballs. And I finna turn up when the night falls. If you hear a siren, then it's my fault. Jump in my whip, baby, let's ride. We ain't gonna stop at a red light. And I'ma take shots like a tech nine. दोस्तों, मोटर की वाइंडिंग करने से पहले उस मोटर की क्वाइल बनानी होती है। क्वाइल बनाने से पहले हमें उसका फर्मा तैयार करना होता है कि हमारी जो मोटर की वाइंडिंग होगी यानी उसके अंदर जो क्वाइल डलेगी वो जो क्वाइल है वो कितनी बड़ी होनी चाहिए, ये हमें पहले डिसाइड करना पड़ता है। तो दोस्तों, इस चीज़ को हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं और क्या है फर्मा तैयार करने का सही तरीका, क्योंकि दोस्तों बहुत लोग जो कि क्वाइल बनाते हैं, मोटर की वाइंडिंग करते हैं, तो उनकी जो वाइंडिंग होती है बहुत ज़्यादा गंदी होती है, बहुत ज़्यादा भद्दी होती है। और दोस्तों, उनकी जो क्वाइलें होती हैं वो बॉडी से बाहर निकल रही होती हैं या तो बॉडी के अंदर उनको बहुत मुश्किल से दबा दबा करके उनको मतलब ठूस ठूस करके उसको किया जाता है, तो बहुत बेकार लगता है, बहुत गंदा लगता है। तो आप लोग भी अगर ऐसा काम करते हैं तो ऐसा काम मत कीजिए। आज मैं आपको वो तरीका बताऊंगा, आप अगर हमारे बताए हुए तरीके से क्वाइल बनाएंगे तो आपकी क्वाइल ना तो बड़ी होगी, ना तो छोटी होगी, ना आपको डालने में दिक्कत होगी, ना ही तो आपको उसको सेटिंग करने के अंदर कोई परेशानी होगी। तो चलिए दोस्तों, आपको बताते हैं कि आप जो भी मोटर वाइंडिंग कर रहे हैं उसके क्वाइल के फर्मे को कैसे तैयार किया जाता है, यानी कैसे बनाया जाता है, क्या उसको इंची टेप से नाप करके बनाया जाता है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, कभी भी आप ये गलती मत कीजिएगा कि इंची टेप से आप अपनी क्वाइल को नाप रहे हैं कि भैया उस्ताद जी ने जितना इंची बताया था उतना इंची का हम जो है कि क्वाइल बनाएंगे। तो दोस्तों, अगर आप ऐसी गलती करेंगे तो क्या होगा कि आपकी क्वाइलें या तो छोटी हो जाएंगी या तो बड़ी हो जाएंगी, क्योंकि दोस्तों जितनी प्रकार की मोटरें आती हैं उनका साइज अलग अलग होता है, उसकी लेंथ अलग होती है, उसकी जो मोटाई अलग होती है, उनका हर एक क्वाइल का साइज अलग अलग होता है। तो आप ऐसी गलती मत कीजिएगा। आपको मैं आज वो तरीका बताता हूं कि जिससे कि आपको किसी से भी कुछ भी पूछने की जरूरत नहीं है। इस तरीके से आप किसी भी मोटर की, एक तरह से ये फॉर्मूला है कि इस फॉर्मूले से आप किसी भी मोटर का फर्मा तैयार कर सकते हैं और वो भी एक मिनट के अंदर। चलिए दोस्तों, आपको बताते हैं। सबसे पहले दोस्तों, आपको लेना होगा एक इस प्रकार से एक मोटी सी वायर, या जो आप वाइंडिंग कर रहे हैं उसी वायर को आप ले लीजिए, उसी तार को लगा लीजिए। तो ये हमने दोस्तों 24 नंबर का वायर ले रखा है, देख सकते हैं यहाँ 24 नंबर लिखा हुआ है। इस मोटर की हम वाइंडिंग करेंगे आज, तो इसको हम वाइंडिंग करने के लिए हमने 24 नंबर का तार लिया है। तो इसी तार से दोस्तों इसका फर्मा तैयार करेंगे। चलिए आपको बताते हैं। सबसे पहले आपको आ जाना है अपने मशीन के ऊपर, जिसके ऊपर आप कॉइल बनाते हैं उसके ऊपर पत्ती और फर्मा आपका सेट हुआ रहता है, अलग अलग सेट रहता है। इसको आपको कितना सेट करना है मैं अभी आपको बताऊंगा। सबसे पहले पॉइंट की बात यह है कि जैसे आपके पास में छोटी मोटर आती है, जैसे छोटी मोटर आधे एचपी की है, तो इसको आपको सबसे नीचे वाले हिस्से पे पहले तो बांध लेना अपने एक फर्मे को, जहां आपके धुरा है ये, उसके पास में आपको बांधना है। उसके बाद ऊपर वाला कहां बांधना है ये जब हम इसके अंदर फर्मा बना लेंगे उसके बाद हम आपको बताएंगे किस तरह से आपको इसको मतलब कहां पे बंधेगा वो। दोस्तों, इस प्रकार से आपको एक वायर ले लेना है और आपको ले लेनी है जिस मोटर को आपको फर्मा तैयार करना है, उस मोटर को इस प्रकार से आपको ले लेना है, ठीक है। और तार को लेने के बाद में आपको कुछ इस तरह से, जैसे ये वायर है हमारी, तो कितनी पिच है, हैं कितनी पिच है, उस पिच को आपको पहले ध्यान रखना है। तो पिच हमारी इस मोटर की दोस्तों 1 से 6, 1 से 8, 1 से 10, 1 से 12 है। तो उस पिच के अनुसार ही हमें इसका फर्मा तैयार करना होता है। तो कैसे, इस तरह से तार लेकर के दोस्तों आपको क्या करना है, इस प्रकार से मोड़ लीजिए, ठीक है, इतना लंबा इधर कर लीजिए, इतना इधर कर लीजिए। इसको आपको 1 से 6 में डालना है, यानी कि पहले वाले में 1 में डाल लेना, बीच में फिर 4 छोड़ देना है, नहीं तो आपको ऐसे नहीं समझ में आया, तो ऐसे जिसमें डाला है आपने उसको लेना है 1, 2, 3, 4, 5, 6, जिसके अंदर छठा नंबर आता है उसके अंदर आपको दूसरे तार को डाल देना है, इस तरह से जो आपकी पिच होती है, ठीक है। और पिच होने के बाद में इस तरह से आपको इसको घुमा लेना है, इस प्रकार से ऐसे पीछे, और पीछे घुमाने के बाद में आपको यहाँ पे जो है कि इसे आपको ऐसे थोड़ा सा यहाँ पे लटका देना है, इतना लटकाना है दोस्तों इस तार को नीचे कि आपकी जो इसके ऊपर स्टार्टिंग की कॉइल पड़ेगी तो उसको डालने में हमें किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। अगर दोस्तों ये तार हमारी ऐसे आ जाएगी, इतने ऊपर आती है, तो हम इसके अंदर स्टार्टिंग की कॉइल डालेंगे तो बहुत ज्यादा दिक्कत होगी, परेशानी होगी, इसलिए हमें इसको थोड़ा सा ऐसे पीछे रख लेना है, यानी कि इससे हमारी जो SM का तार नीचे करें तो हमारी जो ये तार है इस स्लाटों से जो कि कम से कम 1-2 mm नीचे ही रहे, ऊपर ना रहे, सट के रहे तो कुचल जाएगा, थोड़ा टाइट हो जाएगी, लेकिन 1-2 mm नीचे रहेगी तो आपको जो कि क्वाइल डालने में बहुत ज्यादा आसानी रहेगी और आपकी मोटर जो कि दोस्तों टेम्पेयर भी ज्यादा नहीं लेगी। और दोस्तों इस तरफ आना इसी तरह से, और जैसे आपने उस तरफ ने आपने लटकाया है तारों को वैसे ही आपको यहां पर भी आपको इस तरह से बना लेना है, ठीक है, इस प्रकार से आपको बनाना है। और बनाने से बाद में आपको कुछ इस तरह से इसको गांठ मार लेनी है, ठीक है, मोड़ करके हल्का सा इसको इस तरह से गांठ मार लेना, फिर आपका इस प्रकार से बन जाएगा, देखिए ऐसे बन जाएगा। इसको बनाने के बाद में आपको फिर से आपको इसके अंदर डालना है 1, 2, 3, 4, है 4 छोड़ देंगे बीच में तो 1 से 6 में हो जाएगा ये। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको जैसे आपने पहले किया था वैसे आपको इसको डाल के देखना है, देखिए इस तरह से आपको डाल के देख लेना है, यहाँ पे आपने डाल लिया और इस तरफ से आप देखिए
देखिए यहाँ पे भी, तो जितना आपका इधर लटका हुआ है, देखिए जितना आपका इधर लटका हुआ है उतना ही आपका इस तरफ भी लटका हुआ होना चाहिए, थोड़ा बहुत फालतू हो जाए, कम ना रहे, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों आप इसका जैसे कि एक का आपने फर्मा तैयार कर लिया, तो इसका मतलब ये नहीं कि सबका आपका बारी बारी से करना है, केवल एक का ही आप जब तैयार कर लेंगे, क्योंकि हमारा जो ये फर्मा है दोस्तों ये एक ऐसे है, इसके ऊपर आप इस जब तार को बांधेंगे तो आपका एक पे ऊपर बांध देंगे तो दूसरा अपने आप तैयार हो जाएगा, यानी दूसरे स्लॉट के लिए अपने आप तैयार हो जाएगा, आपको एक्स्ट्रा मतलब मेहनत करने की जरूरत नहीं कि सबका फर्मा आप तैयार करें यानी सबको बारी बारी से आप चेक करें, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि केवल एक को ही आपको तैयार करना है और एक को तैयार करने के बाद इसके ऊपर आप बांध लीजिए। दोस्तों इस तरह से हमारा फर्मा तैयार हो गया है, चलिए अब इसको हम आपके मशीन के ऊपर बांध करके दिखाते हैं कि किस तरह से आपको मशीन के ऊपर सेट करना होता है इसे। तो आपको यहाँ से कट कर देना है इतना बनने के बाद में हमारा, इसके बाद में आपको क्या करना है इसको इसके ऊपर इस प्रकार से लगाना है, यहाँ पे आपको ऐसे लगा लेना है, ठीक है। नापने की कोई जरूरत नहीं कि कितना बड़ा हुआ है कितना नहीं, आपको क्या करना है जिस सुराग के अंदर, जैसे यहाँ पे बहुत सारे सुराग होते हैं नजदीक, यहाँ पे जो बहुत सारे सुराग होते हैं जिसके अंदर आपको सुराग इसीलिए करके दिए जाते हैं कि ताकि आप जिसके अंदर ये सेट होता है उसी के अंदर आप सेट कर लीजिए, नहीं तो यहाँ पे लिख दिया जाता है इस मोटर का है, ये इस मोटर का है, इस मोटर का, ऐसा नहीं किया जाता। तो आपका देख सकते हैं इसके अंदर आ रहा है ये नीचे से जो कि दूसरे से लेकर के यानी ढाई वाले सुराग पे, ढाई सुराग पे एक दो एड आधे पे आया है, ठीक है। इसको अच्छे से हम टाइट कर लेंगे और टाइट करने के बाद में दोस्तों हमारी ये जो वायर है ये टाइट रहनी चाहिए, ठीक है। हल्की फुल्की लूज रहे तो चल जाएगा, लेकिन दोस्तों ये टाइट ही होना चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों हमारा ये फर्मा तैयार हो जाता है, अब इसके ऊपर हम क्वाइल बना सकते हैं। ये हमारा नप गया है तो सारी की सारी क्वाइल दोस्तों हमारी अब साइड से बन जाएंगी, चलिए हम आपको एक क्वाइल बना के दिखाते हैं। टर्ने डालेंगे आधे एचपी की मोटर की वाइंडिंग कर रहे हैं तो हम 24 नंबर से 50 80 80 80 करेंगे, मारुति की स्टैंपिंग है, अगर सीआरएनओ होती तो इसके अंदर टर्ने हम कम डालते, बाकी ये मारुति के अंदर यही टर्ने डाले जाते हैं। चलिए बनाते हैं, तो 1 2 3 4 5 हमारी ये घोड़ी दोस्तों, ये मशीन जो है ये एक बार में 10 बार घूमती है, इस प्रकार से इसका जो है कि कॉयल बनाया जाता है। दूसरे वाले में बना लेंगे, 50 हो गया हमारा, 1 2 3 4 5 6 7 8 ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 दोस्तों इस तरह से हमारी कॉइल जो कि लपेट गई है। और क्वाइल बनाने की भी एक ट्रिक होती है, इसका भी एक तरीका होता है कि आप जब इस तरीके को सीख जाएंगे तो आपकी क्वाइल डालते समय बहुत ज़्यादा आपको आराम मिलेगा, यानी कि तार को आपको काट लेना है क्वाइलों को बांधने के लिए, चाहे तो आप धागे से भी बांध सकते हैं इसको। और बांधने का ये तरीका है, बहुत लोग क्या करते हैं इसको बिल्कुल पिचका देते हैं, गोल कर देते हैं, गोल नहीं करना आपको, जैसे बनी हुई क्वाइल है ना वैसे ही बने रहने देना है और इसके ऊपर तार से ही आप बांधिए, धागे से बांधेंगे तो क्या है क्वाइल डालने में दिक्कत होती है, लेकिन आप तार से बांधेंगे तो इसको क्वाइल को डालने में आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी, परेशानी नहीं होगी। और जैसे ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग होती है वैसे ही क्वाइलों को बनाया जाता है। तो दोस्तों इस तरह से हमारी क्वाइल बन करके तैयार हो गई है, देख सकते हैं बहुत अच्छी क्वाइल बनी हुई है, हैं। और इसको अगर चेक करना है कि क्या सारे के सारे ये सही हैं कि नहीं तो देख सकते हैं इस तरह से आप इसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए जो हमारी ये लास्ट वाली क्वाइल है ये थोड़ी सी मतलब सटी हुई है इसके साथ में, तो हमें क्या करना है इस वाले को जो है कि थोड़ा सा छोटा कर देना है, यानी कि ये जो टेप है हमें हटाने की ज़रूरत है, ठीक है। ये वाली टेप जो है कि लगी हुई है इसको हट जाएगा तो ये पूरा ये सही आ जाएगा, बाकी ये वाली क्वाइल ये वाली सही है, ये वाली थोड़ी सी ज़्यादा बड़ी है, बाकी ये सेटिंग में आ जाएगी इसको हम डालेंगे। तो दोस्तों इस तरह से हमारी जो कि क्वाइल बनकर के तैयार हो गई है, अब इसकी हम वाइंडिंग कर देंगे और बहुत ही ज्यादा सफाई से हमारी वाइंडिंग हो जाएगी।